वेल हमारे पास जो ये किट है, सो दिस इज़ फ्रॉम ऑटोकास्ट। इसका लिंक जो है मैं शेयर कर लूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। सो बेसिकली जैसे आप देख रहे हो ये IPX7 वाटरप्रूफ ही लिखा है। सो इसमें जो है आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन या फिर एप्पल डिवाइस है तो उसमें आप डायरेक्टली जो है इसको कास्ट कर सकते हो, स्क्रीन कास्ट, जैसे अपने कार में होता है। तो वही सेम चीज़ है इस पर भी। सो अब जिस जो है इसको लगाएंगे, मैं जानबूझ के यहाँ पे एक टैंक बैग भी माउंट किया ताकि देखना चाहता हूँ कि लगाने के बाद कैसा होगा। तो देखो आइडिया दो है हमारे पास, ये हाइपर राइडर की जो है GPS माउंट भी है। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स है अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, शायद आप जब तक देखोगे तब तक मे भी हो सकता है रिलीज़ हो जाएगा। तो इसके ऊपर तो डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे जो हाइपर राइडर का जो जो भी प्रोडक्ट्स है। लेकिन हाँ, अभी के लिए हमारे पास दो प्लेस है, एक जो है यहाँ पे हम माउंट कर सकते हैं, दूसरा जो है यहाँ पे ऑप्शन है। आई पर्सनली सम हाउ फील कि ये वाला ऑप्शन मुझे, सो यहाँ पे मैं इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड इंस्टॉल द GoPro ओवर हियर। तो जो अभी के लिए GoPro यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो ये थोड़ा व्यू इतना अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लगाऊंगा तो व्यू बहुत सही आएगा। तो यहाँ पे हम GoPro इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पे जो है GPS की माउंट को इंस्टॉल करेंगे। अब इस GPS जो डिवाइस है इसमें क्या है, पावर सप्लाई का दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो है आपका USB से आप पावर ले सकते हो, एंड सेकेंड ऑप्शन जो है आप डायरेक्टली जो है बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वेल बैटरी के साथ अगर मुझे कनेक्ट करना है तो आई हैव टू टेक इट टू कार्तिक, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं बैटरी में कनेक्ट कर दूँ और फिर वो डिस्चार्ज कर दे पूरी की पूरी बैटरी को। सो उसके लिए फ्यूज़ बॉक्स के पास कहीं कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा इग्निशन के साथ, दैट आई कॉन्ट डू, सो आई हैव टू डू इट देयर। सो अभी के लिए मैं वही सोच रहा हूँ कि USB पे लगाएंगे। एक दिक्कत यह है कि इसमें जो है Type-C की पोर्ट आता है इनफील्ड में बाई डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे अगर आप देखो Type-C पोर्ट है, बट इस डिवाइस के साथ जो USB आया तो इसकी वजह से मैंने जो है एक काइंड ऑफ एक कन्वर्टर भी लेके आया जो यहाँ पे लगा सकता है। अभी ये टेम्पररी वाला काम बनेगा लेकिन ठीक है, चलेगा। तो हिमालयन में जो है आपको बाय डिफॉल्ट जो है स्क्रीन कास्ट तो मिल जाता है, स्क्रीन कास्ट नहीं बेसिकली वो मैप कास्ट होता है, लेकिन उसमें दिक्कत वही है कि यार वो मोबाइल की स्क्रीन जो है ऑन रहता है, तो उसी की वजह से हमने प्रेफर किया ऐसा कुछ डिवाइस। ये डिवाइस अभी लगाते हैं, लगा के देखते हैं। अब दोस्तों समस्या ये है कि इसको कैसे फिट करेंगे, ऐसी जगह फिट करना चाहिए जहाँ पे आपकी की को भी एक्सेस कर सकते हो और ये डैशबोर्ड प्रॉपरली विजिबल भी होना चाहिए, तो ऐसे कुछ हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन विराज भाई ये नहीं लग रहा है कि ज्यादा मुंह पे आ जाएगा? अच्छा ना, रॉन्ग तो नहीं लोगे आप? नहीं मुझे लग रहा है, क्या पता है, इसको ऐसे करते हैं विराज भाई देखो, बट ये फिर उधर ऊपर फेसिंग द स्काई रहेगा। अच्छा, वो आपको सन का प्रॉब्लम आएगा। ओहो, यहाँ भी आता है ना तब भी सही है कि एक्सेस भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन कैच यही है एक्चुअली। हाँ, इसको आप घुमा सकते हो? नहीं नहीं, इसको ही घुमा लेंगे ना विराज भाई, वो कहाँ गया। तो दोस्तों अब जो है हमारा डिवाइस जो लग चुका है, बस इस केबल को थोड़ा सा मैनेज करना है, लेकिन आपको दिखाता हूँ एप्पल कार में कैसा काम करता है। इसको मैंने अभी ब्लूटूथ के साथ जो है कनेक्ट कर दिया है। आप देखो मैं क्या आ जाऊँ भाई, इसको निकालना है ना, ये पहले पील ऑफ द मास्क, ये बिल्कुल टच स्क्रीन है पूरा। अरे क्यों निकाला यार, स्क्रैच वाच हो जाएगा। चलो ठीक है, एनीवे तो ये जैसा आप स्क्रीन देख रहे हो ये पूरा टच स्क्रीन है, ठीक है। इसमें देखो ये फ़ोन आ गया, ये फिर मेरा म्यूज़िक आ गया, मतलब जो जो भी मैं ये YouTube म्यूज़िक दिखा रहा है, और ये मैप आ गया। अब मैं अपना गूगल मैप पे अगर मान लो कि कहीं लगाऊंगा, मान लो कि कहाँ जाना है, रेलवे स्टेशन लगा लेते हैं, रेलवे स्टेशन लगाता हूँ, रेलवे स्टेशन रोड लगा लिया, और जैसे मैं डायरेक्शन यहाँ पर लगाता हूँ देखो यहाँ आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये स्टार्ट रूट कर दिया जैसे अपने कार में होता है कार प्ले। और देखो ये जो मोबाइल है, अब एडवांटेज क्या है, देखो इसमें ऐसे आता है, इसको बंद कर दो एंड पॉकेट में रख लो, इसमें बैटरी और कंज्यूम ज़्यादा होता नहीं है, बहुत मिनिमल बैटरी कंज्यूम होता है। इसको बंद करो, पॉकेट में रख लो, एंड इस पर मैप चलेगा, आप ऐसे देख भी सकते हो आगे पीछे, वो सब आगे पीछे वो सब भी कर सकते हो। सो बस वही है जैसे आपका कार प्ले चलता है वैसी है, एंड म्यूज़िक व्यूज़िक में इससे भी आप डायरेक्टली जो है ब्लूटूथ अगर आपके पास होगा तो ब्लूटूथ हेडसेट में आपका म्यूज़िक आ जाएगा, और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें छोटा सा स्पीकर भी है, फाइन आएगा, आ जाओ, एनिमल लगाते हैं, एनिमल प्ले करना है। अरे चल तो गया, अरे इधर आ गया। क्या बात है, वॉल्यूम है इसमें, आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ आ जाओ। अगर हम ऐसे राइड करते हैं तो अब हमारा व्यू कुछ इस तरह से रहेगा। देखो यहाँ पे GPS वाले डिवाइस भी आ गया, वहाँ पे आपका हैंडल बार मतलब आपका डैशबोर्ड भी आ गया। अब ये तो चलने के बाद पता चलेगा कि विजिबिलिटी में कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनिशियल प्लान यहाँ पे था, लेकिन यहाँ मैं सोच रहा हूँ अपना GoPro लगाने के लिए, तो यहाँ GoPro लगाने से एक बढ़िया सा व्यू भी आएगा, तो इसलिए वहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, हिमालयन में एक बढ़िया चीज़ मुझे लगा कि जब तक आप इंजन स्टार्ट नहीं करते हो ये जो USB पे पावर नहीं आता, एक तरह से अच्छा है कि ये बैटरी सेव करता है। सही बात,
ये देखो अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा ना, देखो इसमें हिमालयन भी आएगा, देखो हानले ब्लैक कलर का हिमालयन अभी दिखेगा। अरे ये तो 1250 लिखा है, हिमालयन 1250 है। सही है सही है, काम हो गया। अब देखो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा जैसे ब्लूटूथ में कनेक्ट होता है ना। चलो दोस्तों फाइनली आ गया फिर से, तो ये कनेक्ट हो गया, देखो मैप भी चल गया, बढ़िया है, राइड में बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा भी दिखेगा डैशबोर्ड। ने देखा कि हमने जो है एप्पल कार प्ले जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर दिया। इसमें एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपके पास है तो उस पर उससे भी आप जो है इसको सिंक कर सकते हैं। एडिशनल डिवाइस है, एक जो प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता है ये है कि यार ये जो है चाइना से इम्पोर्ट होकर आता है, मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं, इंडिया में ऑप्शंस नहीं है। तो अगर कोई कंफर्टेबल हो कि चाइना से ऑर्डर कर सकते हो एंड यू आर फाइन विद इट, थोड़ा टाइम लगता है, आई थिंक 10-12 दिन आपको लगेगा शिपमेंट के लिए और फिर कस्टम क्लियरेंस पे जाता है। तो उसके हिसाब से मैं जहाँ से ख़रीदा हूँ ऑटोकास्ट ब्रांड की है, आप डायरेक्टली जाकर उनको वेबसाइट पे खरीद सकते हो या फिर एग्जैक्टली ये मॉडल अगर आपको खरीदना है तो ये इसके लिंक मैं शेयर कर लूँगा। और कोशिश करता हूँ कि उनको रीच आउट करने के लिए अगर कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं हमारे यूज़र्स के लिए, तो अगर वो हो गया तो अच्छी बात है, तो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा। इसकी और एक वर्सन भी है, तो ये जो वर्सन है इसमें USB की सिस्टम भी है एंड इसमें हार्ड केबलिंग आप करके डायरेक्टली वो भी लगा सकते हो। फिलहाल हम लोग टेम्परेरी वो USB के साथ लगाएं, बाद में फिर देखेंगे। और एक जो वर्सन है यहाँ पे इनके बाइक पे, सुनील के बाइक पे जो इंस्टॉल्ड है, तो ये थोड़ा सा और स्मार्ट दिखता है ना, लेकिन इसकी एक दिक्कत है कि ये आप निकाल नहीं सकते हो, है ना विराज भाई, ये फिक्स्ड है। वो वाला जो है वो निकल जाता है, वो भी दिखा देंगे कैसे निकलता है। इसमें क्या है, फिक्स्ड है, बस यही डिफरेंस है। बट ये थोड़ा सा देखने में स्मार्ट दिखता है क्योंकि ज़्यादा बल्कि नहीं है, वो निकलने वो सिस्टम है, साइज में थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है ना। प्राइस दोनों की लगभग सेम है, आई थिंक ये सस्ता है। सस्ता है कितना? सो वो कुछ 23-24 का है और ये 17-18 का। अच्छा 17-18 हज़ार है, अच्छा हाँ 3-4 हज़ार ज़्यादा है। अच्छा इसमें क्या है, एडवांटेज दिखाता हूँ आ जाओ। तो इसमें क्या है, यू कैन एक्चुअली रिमूव द डिवाइस। तो इसमें क्या है, एक तो छोटा सा स्क्रू ऐसा रहता है पीछे, आप उसको लूज करके, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू रहता है, इसको लूज़ कर लो एंड देन यहाँ पे ये लॉक है, ये अनलॉक करो एंड देन ये डिवाइस जो है ऐसे निकल आता है एंड इसको आप पॉकेट में भर के लेके जा सकते हो। तो ये एडवांटेज है। और ये देखो इस पर यही किट बस लगा हुआ रहेगा, ये किट का वैसे कुछ काम नहीं है, मतलब इसके बिना तो कोई काम नहीं है, बस ऐसी है। तो ये एडवांटेज है कि थोड़ा रात को राइड करके आने के बाद आप इसको कैरी करके घर फिर वापस ले सकते हो, तो वो एडवांटेज है। चलो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक अच्छी सी डिवाइस था, मतलब एक गैजेट था, मुझे जनरली गैजेट्स बहुत अच्छा पसंद है, मतलब अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि शेयर कर लेते हैं, तो शेयर कर लिए। सो बाय बाय। हाँ नहीं मतलब मैंने सेना पे ही वो सीरी आ गया, फिर नेविगेट का वो दे दिया तो उसमें हो गया, बढ़िया है, चलते चलते हो गया, टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं है, सही चीज़ है एक्चुअली ना, डिवाइस बहुत सही है। और इसमें क्या पता है ये ना 80 डिग्री जो सेंटीग्रेड तक ये सस्टेन करेगा, ये मतलब गर्मी झेल पाएगा। हाँ तो इसमें ना दो तीन चीज़ें अच्छा है, एक तो मोबाइल चलो आपका पॉकेट में रह गया, दूसरा क्या है ना टेम्परेचर्स का कोई इशू नहीं है क्योंकि मोबाइल में, इसमें बैटरी नहीं है ना, वही एडवांटेज है। अगर GPS डिवाइस के अंदर बैटरी रहेगा तब वो गर्म हो जाएगा हीट से, इसमें बैटरी है ही नहीं, ये डायरेक्टली सिस्टम से चलता है, तो वो है। और वाटरप्रूफ भी है, डस्ट प्रूफ है, तो कोई टेंशन नहीं है, है काफ़ी सारा चीज़ें अच्छा है। और एक इसमें व्यू आता है ना, देखो ऑडियो और ये दोनों आता है एक साथ में, ये भी सही है। अच्छा इसमें फ़ोन क्या, मतलब यहाँ से डायरेक्टली डायल कर सकते हो क्या फ़ोन? हाँ वो भी है। ओहो मतलब व्हाट्सएप कॉल भी यहाँ से हो जाएगा, अरे बढ़िया यार, सही में यार काम का डिवाइस है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, लोग बोलेंगे कि यार मैं मोबाइल यूज़ कर लूँगा क्यों 20-22 हज़ार खर्च करना है, या फिर एक्स्ट्रा मोबाइल, बहुत सारे लोग ना इसके लिए एक्स्ट्रा मोबाइल लगाते हैं, लेकिन वही चीज़ है ना, वो एक्स्ट्रा मोबाइल भी गर्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मेरा तो, मैं दिल्ली में था ना एक बार, अफ्रीका ट्विन को शिप करना था दिल्ली से, तो मैं वो मैप लगा के गया और इतना टेम्परेचर था, अप्रैल में ऐसा टाइम था आई थिंक, मतलब मेरा मोबाइल 20-25 मिनट की वो जो सिटी पे नेविगेशन हुआ और इतना धूप की वजह से ना गर्म हो गया एप्पल और बंद हो गया फ़ोन, और बोला कि मतलब ओवरहीट चलने लगा, मतलब बाद में वो हुआ ही नहीं और चालू हुआ ही नहीं, फिर मैंने क्या किया ना लिटरली पानी डाला उसके ऊपर, उसके बाद ही वो मोबाइल ऑन हुआ। तो वो हिसाब
वो हिसाब से, क्योंकि वही होता है ना कि आपका एक तो स्क्रीन ऑन रहता है उसमें गर्मी होता है, सेकेंड जो है बैटरी बहुत हीट हो जाता है, या बड़ा रिस्की बन जाता है मोबाइल रखना। हाँ अरे वो भी सही है, हाँ बिल्कुल। तो अगर आप सेकंड मोबाइल लगाते हो इसमें, मान लो कि एक नेविगेशन के लिए रखते हो, तो पहला वाला मोबाइल में जो कॉल वॉल आएगा वो आप देख भी नहीं सकोगे। अरे कोई आ गया पीछे, कौन डियाबल डॉक्टर आ गया क्या? अच्छा इनका है, अच्छा अच्छा मैं सोचा डॉक है। एग्जॉस्ट बहुत लाउड है ना, ओके। चलो ठीक है।